यार से छुपा कैसे लिया? ठीक है, ये यहाँ क्या कर रही है? देखो अहमद, फिजा को अपनी गलती का एहसास है। वो तो ठीक है, पर ये यहाँ क्या कर रही है? हाय अहमद। अच्छा मैं चलता हूँ, हो सके तो एरम से मिल लेना। She needs you. Okay. एरम से मिली तुम? नहीं, मुझे डर लग रहा था, मैंने सोचा हम दोनों साथ चल के इससे मिल लें। तुम क्या कहते हो? कुछ बात बनी? नहीं, कोई बात नहीं बनी। कई डॉक्टरों से मशवरा किया, सबने एक ही बात बताई कि बहुत देर हो गई। कौन कहेगा हिरम को देखकर कि उसे इस उम्र में ये बीमारी? अब तो सिर्फ हिरम के बाबा का इंतजार है, खुदा करे कोई अच्छी खबर लेकर। ये कोई अच्छी खबर नहीं है अहमद। सब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अली ने फिजा जैसी लड़की पर भरोसा कैसे कर लिया। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? दो तीन चिकनी चिपड़ी बातें की होंगी, दो तीन आंसू बहाए होंगे, एंड दैट्स इट। आंसू तो इरम ने भी बहाए थे। हाँ, लेकिन वो अली के दामन पर नहीं गिरा। लेकिन सब मुझे एक बात का यकीन है कि इरम बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। यकीन तो मुझे भी है। तो फिर? यकीन तो मुझे भी है, लेकिन इरम को इस बात का बिल्कुल यकीन। क्या सोच रहे हो अली? अली कहाँ खोए हो, जवाब क्यों नहीं देते हो? तुम इरम को लेके परेशान हो ना? हाँ, मुझे ऐसा मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती है। उसकी ये हालत ज्यादा दिन नहीं रहेगी, तुम देख लेना। मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है, मुझे खुदा पर भरोसा है कि वो हिरम को जिंदगी जरूर देगा। फिजा, खुदा हमारे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकता। अली तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें हिरम से ज्यादा मोहब्बत दूंगी। What? मेरा मतलब है कि हिरम के बाद तुम्हें किसी ना किसी की मोहब्बत की तो जरूरत होगी ना।
गाड़ी से उतरो फौरन। तुमने गाड़ी क्यों रोक ली? मैंने कहा गाड़ी से उतरो फौरन। अली तुम्हें अचानक हो क्या गया? गाड़ी से उतरो। इरम को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इरम को, सुना तुमने? और एक और बात सुन लो, तुम्हारे पास वापस लौटने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा, समझी? एंड वन मोर थिंग, यू आर टोटली सिक, सिक सिक एंड सिक, बीमार हो तुम। बचपन में ना अपनी अम्मी को बहुत तंग किया होगा, जब भी मैं आपको इतना तंग करती थी। तो मैं एक ही खराबी है बेटा, बोलती बहुत, हर वक्त बोलती। आप भी ना, जब मैं नहीं बोलती तो आप कहती हैं रो रही हो, और जब जब बोलती हूँ तो माँ को रुलाती हूँ। अच्छा रोना शुरू, ठीक है। अगर आप मेरी बातों से रोती हैं तो फिर मैं हमेशा के लिए कितनी दफा मना किया, इतना काम मत किया कर, एक नौकर रख रख ले, मगर आप बस कंजूसी, क्या करेंगे पैसे बचा के? डांटू तो मत। डांट नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ कि अब आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे, वरना अगर मैं बीमार पड़ गई ना तो कोई भी डॉक्टर मुझे सही नहीं कर सकता।
है।